टॉप 10 अनयूजुअल फैक्ट्स अबाउट जापान। जापान के 10 मुनफरिद और नाकाबले यकीन हकाइक। दोस्तों, दुनिया भर में लोग चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और दूसरे नेचुरल फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लेकिन द लैंड ऑफ सनराइज कहलाए जाने वाले जापान में केकड़ा यानी कि ऑक्टोपस की आइसक्रीम को बहुत पसंद किया जाता है। और जहां पूरी दुनिया में डायपर्स बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं जापान में बच्चों से ज्यादा बड़ी उम्र के लोग डायपर्स क्यों पहनते हैं। टेक्नोलॉजी में सुपर पावर अमेरिका से भी 4 हाथ आगे, जापानी लोग सर्द या गर्म पानी के बजाय नूडल सूप में बाथ लेना पसंद क्यों करते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसे जबरदस्त हकायक बयान करने जा रहे हैं जिन्हें सुन के आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया भर में ऑरेंज या फिर ऑरेंज के जूस को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये विटामिन डी और सी का एक बड़ा सोर्स है और ये फल दरख्तों पर राउंड शेप यानी कि गोल नजर आता है। लेकिन जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर ऑरेंज हार्ट शेप यानी कि दिल की शक्ल में और पेंटागॉन शेप यानी कि 5 कोनों वाली शक्ल में भी मिलता है। दरअसल ये दरख्तों पर इस शक्ल में नहीं लगते बल्कि इनको ऐसे सांचे में डाला जाता है जो कि हार्ट और पेंटागॉन जैसे हो जाते हैं, और जब ये अपना मुकम्मल साइज तक पहुंचकर तैयार हो जाते हैं तो इनका ये नया रूप सामने आ जाता है। पेंटागॉन शेप ऑरेंजेस को तो बहुत ही लकी माना जाता है। खासकर जापान में स्टूडेंट्स अपने बड़े एग्जाम से पहले इसे लाजमी खाते हैं ताकि ये कामयाब हो सके, जबकि हार्ट शेप मैंडरिन ऑरेंजेस यानी कि दिल की शक्ल वाले इन ऑरेंजेस को एक मोहब्बत करने वाले जोड़े ने अपने घर के बाग में बनाया था, और ऐसा करने के लिए इन्होंने दरख्त पे लगे हुए ही इन फलों को इस शक्ल के सांचे में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब बहुत से फार्मर्स ने बाकायदा इसकी फार्मिंग भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, क्यों है ना ये मजे की बात, मोहब्बत भी और लज्जत भी साथ साथ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, डायपर बनाने वाली कंपनीज बच्चों के लिए स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के डायपर्स बनाती हैं, लेकिन जापान में ये बच्चों से ज्यादा बड़ी उम्र के लोग अब इस्तेमाल करते हैं। क्यों, चकरा गए ना ये सुनकर। बात कुछ यूं है कि जापान में बच्चों से ज्यादा बड़े और बूढ़ों की तादाद अब हो चुकी है। जापान में इस वक्त 70,000 से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। इस मुल्क में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि औसतन उम्र लोगों की 44 साल तक पहुंच जाती है। जापान के एक इलाके ओकिनावा आइलैंड, जिसे के आइलैंड ऑफ लॉन्गजीविटी का भी निकनेम दिया गया है, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल की उम्र के लोग पाए जाते हैं, और इनकी लंबी उम्र का राज इनकी खुराक में छुपा है। ये लोग फैटी और ऑयली खानों से परहेज करते हैं, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन डायपर्स बनाने वाली कंपनीज को बच्चों से ज्यादा इन बूढ़ों के लिए अब डायपर्स तैयार करना पड़ रहे हैं जो कि रात में सोते सोते बिस्तर पे ही काम भी दिखा देते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको पूरे जापान में हर रेस्टोरेंट और कैफे में 3 और 6 कुर्सियों के पेयर्स नजर आएंगे, और इसी तरह यहाँ पर जापानी लोग टी पार्टी में भी हमेशा 3 गेस्ट यानी कि 3 मेहमानों को ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि जापानी लोगों के मुताबिक 4 का हिंसा इनके यहाँ बिल्कुल भी लकी नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप जापान में किसी लिफ्ट यानी कि एलिवेटर में भी चढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 3rd के बाद सीधा 5वां फ्लोर मिलेगा और 4th फ्लोर मिलेगा भी नहीं। इसी तरह जापान में आप किसी को फूलों का तोहफा देना चाहें तो कभी भी भूल के व्हाइट फ्लावर्स यानी कि सफेद फूल मत दीजिएगा, क्योंकि सफेद फूल इनके यहाँ फ्यूनरल्स यानी कि जनाजों पर दिए जाते हैं। लेकिन जापान में सबसे हैरानकुन बात यह है कि जहाँ पूरी दुनिया में ब्लैक कैट यानी कि काली बिल्ली को मनहूसियत की अलामत समझा जाता है, और अगर ये बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आप वापस मुड़ जाते हैं, वहीं जापानी लोग काली बिल्लियों से प्यार करते हैं और अपने घरों में इन्हें पालते भी हैं। यूं है ना अजीब बात। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक आम मौसम की मुनासिबत से गर्म या सिर्फ ठंडे पानी से लोग नहाना पसंद करते हैं या फिर स्टीम बाथ या फिर सन बाथ का मजा लेते हैं, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया को चकरा कर रख देने वाले जापानी लोग नूडल सूप बाथ लेते हैं। क्यों, लगा ना 100 वाट का झटका। चिकन कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप और नूडल सूप, ये सब तो लोग पीने के लिए बनाते हैं, लेकिन जापान के एक होटल में बकायदा एक स्पा मौजूद है जहां बाथटब में नूडल सूप का बाथ लिया जाता है। जापानी लोगों के मुताबिक इससे पूरे जिस्म की जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और आप पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग मजीद खूबसूरत नजर आने के लिए इस नूडल्स बाथ में मीट यानी कि गोश्त भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप इस क्रेजी बाथ को ट्राई करना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें जरूर बताएं।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेन का 2 से 3 घंटे तक लेट हो जाना एक मामूली सी बात है, लेकिन अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट तक की ताखीर का शिकार हो जाती हैं, जबकि जर्मनी में ये सिर्फ 6 मिनट से ज्यादा डिले नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि जापान में एक ट्रेन एवरेज 50 सेकंड से ज्यादा डिले नहीं होती, और अगर आप ऑफिस या किसी अहम मीटिंग में ट्रेन की वजह से लेट आए हैं तो रेलवे ऑफिशियल्स ना सिर्फ आपसे माजरत करते हैं बल्कि आपको एक डिले सर्टिफिकेट भी जारी करके देते हैं। जापान की ट्रेन सर्विस जहां दुनिया की बेहतरीन ट्रेन सर्विस है, वहीं ये ओवर पॉपुलेटेड भी है, और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि जापान में ट्रेन पैसेंजर्स को ठोंसा जाता है, और इस काम के लिए बकायदा ट्रांजिट पुशर्स रखे गए हैं जिन लोगों का काम लोगों को ट्रेन में इतना ठोसना है कि ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाए। इसलिए अगर ट्रेन में आपको धक्के पड़े या सांस लेना मुश्किल हो जाए तो आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने किटकैट की चॉकलेट तो जरूर खाई होगी और आपको शायद ये बहुत पसंद भी हो, लेकिन जापान में तो ये कुछ ज्यादा ही पसंद की जाती है। यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर की ही टिकटॉक नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको 40 से ज्यादा फ्लेवर्स की किटकैट चॉकलेट मिल जाती है, लेकिन इन फ्लेवर्स में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि कभी आपने सोचे भी ना होंगे। ग्रीन टी फ्लेवर की चॉकलेट, वाटरमेलन यानी कि तरबूज के फ्लेवर की चॉकलेट, मैंगो, स्वीट पोटैटो यानी कि आलू के फ्लेवर की, कॉर्न, सोयाबीन और पेपर यानी के काले नमक के फ्लेवर की भी किट कैट चॉकलेट यहाँ पर बिकती है। अगर आप इनमें से कोई भी फ्लेवर खाना चाहते हैं तो आपको जापान जाना पड़ेगा या फिर जापान से ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। जापानी लोग सिर्फ किट कैट के अजीबोगरीब फ्लेवर ही नहीं खाते, बल्कि ये आइसक्रीम के फ्लेवर भी ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब पसंद करते हैं, जैसे कि खासकर यहाँ पर ऑक्टोपस आइसक्रीम खाई जाती है जो कि दरअसल ऑक्टोपस यानी कि एक केकड़े के फ्लेवर की बनी होती है। जापानी लोग इस आइसक्रीम को भी बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि जापानी सी फूड के लवर्स होते हैं, और अगर आइसक्रीम में भी सी फूड का तड़का ऐड हो जाए तो क्या ही बात है। वैसे जापानी लोगों से सवाल तो बनता है कि सिर्फ भाई ऑक्टोपस की ही आइसक्रीम क्यों खाते हो, फिश आइसक्रीम या फिर श्रिम्प आइसक्रीम से क्या दुश्मनी है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जापानी लोग आर्ट के लवर्स होते हैं और आपको इनके घरों, ऑफिसों, रेस्टोरेंट्स में आर्ट जरूर नजर आएगा। यहाँ तक कि इनकी क्रिएटिविटी का अंदाजा आपको हार्ट और पेंटागन शेप के ऑरेंजेस से तो हो ही चुका होगा, लेकिन सबसे अजीब आर्ट आपकी आंखें खोल देगा। दुनिया भर में लोग गटर और इसके ढकनों से दूर ही रहते हैं ताकि गलाजत और बदबू से बचा जा सके, लेकिन जापान में आप इन गटर के ढकनों के पास खड़े होकर इन्हें देर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जापानीज आर्टिस्ट मैन कवर्स यानी कि गटर के ढकनों को भी पेंट कर देते हैं, और आप इससे दूर भागने के बजाय इनके पास खड़े होकर इन्हें घंटों देखते रहेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट दुनिया भर में मशहूर है, वैसे ही दुनिया भर में मैन होल कवर आर्ट भी अब मशहूर है और काफी मुनफरिद भी। अगर आप जापान जाए तो गटर के ढक्कन भी जरूर देखें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जापान की हर चीज ही मुनफरिद है, यहाँ तक के जापान की सड़कों पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स भी पूरी दुनिया से हटकर हैं। पूरी दुनिया में आप रेड सिग्नल पर रुकते हैं, येलो सिग्नल पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ग्रीन सिग्नल पर आप अपनी गाड़ी या बाइक चला देते हैं, लेकिन जापान में ग्रीन सिग्नल के बजाय ब्लू सिग्नल नजर आता है। ऐसा इसलिए है कि जापानीज लैंग्वेज में ग्रीन और ब्लू दोनों के लिए ही एक ही जैसा लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसीलिए 1973 में जापानी हुकूमत ने ब्लू शेड ऑफ ग्रीन को यानी कि ग्रीन कलर के ब्लू शेड को सिग्नल के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था, और यूं जापानी लोगों का ये मसला भी हल हुआ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी इन्होंने मेंटेन कर लिया। इसलिए आपको जापान में कूल ब्लू शेडेड ग्रीन सिग्नल जरूर नजर आएंगे। क्यों है ना ये बहुत ही कूल फैक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान में एक और कूल थिंग, यहाँ की ट्रांसपेरेंट कोका कोला बोटल्स भी हैं जो कि दूर से मिनरल वाटर की बोटल्स लगती हैं। जापानी लोग नेचर लवर्स हैं और पानी इनके लिए एक सिंबल ऑफ नेचरनेस है, इसीलिए जापानी लोगों ने तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स को ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने की दावत दी, और फिर कोका कोला कंपनी ने विदाउट कैलोरीज कलरलेस यानी कि बगैर कलर वाला कोका कोला क्लियर बना दिया, जो कि जापान में बहुत ही पसंद भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाएंगे तो आपको शॉपिंग के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मेगा शॉपिंग मॉल्स जाना पड़ेगा, लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे आगे है। आपको क्लोथ्स यानी के कपड़ों के लिए, सनग्लासेस के लिए, अम्ब्रेला यानी के छतरी, जूते, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट और चिप्स वगैरह के लिए, हर चीज के लिए आपको किसी मॉल या शॉपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जापान में हर 80 मीटर पर आपको वेंडिंग मशीन नजर आएगी। आप बस इसमें कॉइन डालें और आगे से हर अपनी मतलूबा चीज को सिलेक्ट करें।
पूरे जापान में इस वक्त 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं। यहाँ पर औसतन हर 23 अफराद के लिए एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक जापान में ये वेंडिंग मशीन सालाना $500 मिलियन कमा लेती है। दुनिया में आपको ऐसी मशीन एयरपोर्ट या बड़े शॉपिंग मॉल्स में ही नजर आती है, लेकिन जापानी लोगों ने इन मशीनों का एक जाल ही बिछा दिया है जिससे लोग टाइम और ट्रैवल की मुशक्कत से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जापान एक ऐसा मुल्क है जहां सालाना 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक यानी कि जल्जले आते हैं, लेकिन जापानी लोगों ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि इनकी बिल्डिंग्स अब 10 और 12 रिएक्टर स्केल के जल्जले भी बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन इन टेक्नोलॉजी में तरक्की सिर्फ मेगा स्ट्रक्चर तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का कूल सॉल्यूशन निकाला है जो कि आपकी तबीयत खुश कर देगा, जैसा कि सुपर अम्ब्रेला। दोस्तों आप जब भी बारिश में छतरी लेकर निकलते हैं तो ये आपके सर और जिस्म के चंद हिस्सों के अलावा बाकी पूरे जिस्म को भीगने से नहीं बचा पाती। खासकर आपके जूते तो गीले होने के साथ साथ खराब भी हो जाते हैं, लेकिन जापानी लोगों ने सुपर अम्ब्रेला इजाद करके इस मसले का हल भी निकाल लिया है, जो आपको सर से पांव तक कवर कर लेती है और आप बगैर भीगे सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। साइंस फिक्शन डोर्स, जिन्हें साईफाई डोर्स कहा जाता है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप हॉलीवुड मूवीज में ही आज तक देखते आए हैं, लेकिन जापानी लोगों ने साइंस फिक्शन को भी रियलिटी में तब्दील कर दिया है। जापान में इनको ETF ऑटोमेटिक डोर्स कहा जाता है, और जब कोई इंसान इनसे गुजरना चाहता है तो ये पूरे खुलने के बजाय इस इंसान की जिसामत के साइज और साख्त के मुताबिक खुलती हैं। इसमें लगे हुए इंफ्रारेड सेंसर्स आपको पहचान लेते हैं, और अगर आपका नाम होस्ट इनविटेशन लिस्ट यानी कि मेहमानों की लिस्ट में मौजूद नहीं होगा तो ये दरवाजे किसी भी सूरत आपके लिए नहीं खुलेंगे। तो आप किसी ऐसे होस्ट के मेहमान बनना पसंद करेंगे जिनके घर में साईफाई डोर्स लगे हुए हों? कमेंट सेक्शन में आई लव साईफाई डोर्स लिख के जरूर बताएं। अगर आपको जापान के बारे में आज के अनयूजुअल और कूल फैक्ट्स पसंद आए हों तो इन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।